हाय नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जग्गा ब्लॉग में। और आज हम आए हैं गांव निरावली, ये ज़िला मेरठ में पड़ता है गांव। और दोस्तों हम आपको दिखाने जा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन मकान बनाया है गांव में, बहुत ही बड़ा मकान है। और आप देखते हैं यहाँ सामने इनके बैल बंधे हुए हैं, किसान परिवार है ये बैल बंधे हैं इस तरफ, और वो इसका मेन गेट है, वहाँ से अंदर ये एंट्री गेट है। और यहाँ से अंदर की तरफ आते हुए आपको पूरा कवरेज करके दिखाएंगे। देखो किसान भाई ने कितना बड़ा मकान बनाया है, यहाँ ही रहते हैं, ये घेर है और घर है इनका अलग। तो दोस्तों देखते हैं बहुत ही बड़ा मकान बनाया है, ये देखिए लगभग 4 बीघे में मकान बना हुआ है। ये इनके कृषि यंत्र हैं, इस तरफ ये इनके पशु बंधे हुए हैं, ये देख सकते हैं ये पशु बंधे हुए हैं इनके। और जी ये बहुत लंबा बरामदा है, भैंस वगैरह इनकी। यहाँ से आगे बढ़ते हुए मैं आपको पूरा कवरेज करके दिखाऊंगा। ये देखिए कितना बड़ा बरामदा बना इन्होंने बना रखा है। इस साइड में किसान परिवार है और ये कृषि संबंधी यंत्र, ये इनके पशु बंधे हुए हैं अंदर। ये देखो मुर्रा नस्ल की भैंसें हैं दोस्तों, बहुत ही बड़ा। ये सामने भी इसी प्रकार, और यहाँ से हम आगे चलते हुए ये देखिए भाई, ये भी देख लो आप, ये पोश एरिया है इनका। यहाँ से आगे बढ़ते हुए गांव के अंदर बहुत बड़ा मकान बनाया हुआ है इन्होंने, किसान भाई हैं गुज्जर परिवार। मैं आपको अभी मिलाता हूँ, बात करेंगे जो मकान के ओनर है। तो दोस्तों ये इनसाइड एरिया है, ये देखिए, और यहाँ ये बैठे हुए हैं इनके मकान के मालिक। नमस्कार जी, ठीक हो जी? तो ये देखते हैं, तो अमित भाई जी कब बनाया था आपने मकान? ये 2008 में बनाया था ये। तो जी लगभग कितने कमरे बने हुए इसके अंदर? 8। तो दोस्तों देख सकते हैं ये लोबी टाइप है, एक लंबा बरामदा इस साइड में, और आपको दिखाएंगे ये एक इनका कृषि यंत्र है। अच्छा इसका बैक साइड भी ठीक है, दिखाता हूँ। ये कृषि यंत्र है और जी भाई महिंद्रा 575 है इनके पास। क्या मॉडल है भाई इसका अमित कुमार? 19 चाप भी है, स्टार्ट करके दिखाओ, आ जाओ स्टार्ट। हाँ स्टार्टिंग तो मार दो, मैं धूल जमा रखी है भाई ट्रैक्टर पे, ध्यान नहीं दे रहे भाई। हाँ चल तो रहे, यूज कम हो रहा है भाई। तो जी भाई अभी स्टार्ट कर रहे हैं। अरे वाह बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया। अरे वाह, तो दोस्तों अच्छा ये तो है महिंद्रा 575 DI, एक है XP जो आ रहा है, वो XP वो क्या, उसमें क्या अंतर है उसमें? इंजन में थोड़ा घना हुआ है बस, थोड़ा बहुत परिवर्तन है। इंजन में या तेल वेल में कुछ कम पड़ती है? नहीं नहीं इंजन में थोड़ा परिवर्तन। अच्छा जी, तो दोस्तों यहाँ से आगे चलते हुए मैं आपको दिखाऊँ ये दुकड़िया, वो बैठक का कौन सा है, बैठक टाइप? अच्छा सारे ऐसे एक से ही बैठक ही बुला रखी। तो जी ये देखिए बहुत ही बढ़िया, यहाँ से अच्छा बैक साइड एरिया है, चलो बैक साइड भी दिखाते हैं आपको। ये पिछले तरफ में खेत आ रहे हैं और ये मकान के पीछे लगभग, अरे वाह ये अमरूद वो रखे हुए हैं, यही गेट है वहाँ जाने का भी, तो कबाड़ा है, कटवा देते पेड़ नींबू का। अच्छा नींबू का पेड़ है,
अमरूद लगा रखे हैं भाई। ये देखो, ये बैक साइड एरिया मकान का, ये देखिए बहुत ही बढ़िया। बारिश में भी मज़ा नहीं आ रहा बात में है। हाँ, और मैं आपको दिखाता हूँ दुकड़ी, दिखाता हूँ दोस्तों कितने बड़े बड़े दुकड़िए हैं गांव में। सिस्टम मतलब एकदम दमदार होता है। हाँ, सोन जाए चाहिए तो सोन के हिसाब से जगह कम पड़ती। ये देखो दोस्तों, ये देख सकते हैं आप इनकी, ये इन्होंने चक्की लगा रखी है, आटा चक्की भी है। तो ये इनका कमरा है। ये तो भैया 16x16 भैया, 16x। अच्छा, एक और है, है? अच्छा, अरे वाह वाह, मंदिर बहुत बढ़िया बनाया तुमने तो। जय हो, अरे जय हो कृष्ण भगवान की। और जी ये देख सकते हैं, बहुत बड़ा, काफ़ी बड़ा कमरा है। और यहाँ से मैं आपको